हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप्स हो so, आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे तो अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि यू you नो know, आपकी पार्टनर आपको क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है ठीक है क्या रीज़न है जो वो आपको नो no कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है एंड अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे ठीक है एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा ठीक है मैं बता दूंगा गाइस ये जर्नल प्लस कलेक्टिव ऑल सेंटर है ये आपसे रेजिनेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल सोल फैमिली मेम्बर ओके सो so, शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंड हाँ जी ये भी बताना मैं ही गई थी पर्सनल पेड रीडिंग मैं दो तीन दिन में स्टार्ट कर दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगी या नंबर प्रोवाइड कर दूंगी मैं किसी को भी यू नो कॉमेंट बॉक्स में किसी को भी कोई नंबर नहीं देती हूँ तो प्लीज़ आपने अवेयर रहना है कोई यू you नो know, आपको बेवकूफ़ ना बनाए ठीक है आपको कोई भी नंबर दे के तो अभी मैं पेड रीडिंग बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ पर्सनल रीडिंग तो मैं आपको खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे दूँगी एंड आपको लिटरली बता भी दूँगी ठीक है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है सो so, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल ओके थोड़ा आपको दिख रहा होगा होप सो so. मउन ओके अभी हम करंट एनर्जी देख लेते हैं फिर देखेंगे टावो हम्म दिख रहा है कॉन्टैक्ट में कि लिटरली बहुत ही पेनफुल तरीके से एंडिंग हुई है चीज़ों की एंड ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ टेक एनर्जी है ऑफ आइनोवान्स की ठीक है देखिए गाइस आपके जो पार्टनर हैं ना अभी उनकी इस टाइम की जो करंट एनर्जी है वो मैं आपको बता दूं इस टाइम पे ना वो बहुत ही यू you नो know, रिश्ते के एक नई शुरुआत के मूड में है वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में न्यू शुरुआत हो आपसे कांटेक्ट कॉन्टैक्ट हो आपको कमिटमेंट दे बट आई थिंक इसी के साथ साथ उनकी करंट फीलिंग ये भी है कि उन्होंने ना बहुत 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 ज़्यादा इस रिश्ते में चीटिंग करी है या फिर आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो सकते हैं ये भी हो सकता है कि आप दोनों की या तो मैरिज फिक्स हो रही होगी या जब घर पे एक दूसरे के घर पे शादी की बात होने का टाइम था तो इनके घर वालों को बहुत दिक्कत थी ठीक है एंड मून का कार्ड आपको चिटिंग डिस्पेयर ठीक है इन सारी एनर्जीज को बताता है देखो बहुत ही इल्यूजन का कार्ड ये द मून का होता है और ये मेजर अर्गानाज है तो हम इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं आई थिंक आपके पार्टनर ने या तो वो थर्ड पार्टी में है या तो मदर इशू है या फिर अभी उन्हें वो चीज़ें याद आ रही जो उन्होंने आपके साथ करी है मैं लिटरली आपको बता देती हूँ ठीक है मुझे लग रहा है कि ये इंसान इतने ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला आदमी है कि जैसे वो होता है ना कि मुँह पे वेव को बना दे इस तरीके का ये इंसान हो सकता है आपके जो भी ये पार्टनर है ठीक है आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा एंड आपको गाइडेंस भी मैं ज़रूर बताऊंगी तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में जितनी भी इसने चीटिंग करी है जितना भी यू नो बुरा टाइम इन्होंने दूसरों को दिया है अच्छा टाइम ना देखिए बुरा टाइम जितना आपको दिया आई थिंक वो सब इनके सामने आ रहा है ठीक है कहीं ना कहीं इनकी दिमाग में वो चीज़ें घूम रही है एंड सेकेंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है द टावर का कार्ड कोई भी ये ना छोटा कार्ड नहीं है तो एकदम से चीज़ों का एंड हुआ है एकदम से चीज़ें ऐसा नहीं होता कि चलो एकदम से ही मतलब आपको छोटी 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 चीज़ों पे डाउट होने तो स्टार्ट बहुत जल्दी जल्दी हो गए होंगे है ना बट क्या होता है ना कि आप एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाते हो समाइम बट ये बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है लिटरली किसी की सोल तक को हार्म हुआ है मतलब आई डोंट नो ये किससे मैच करेगी रीडिंग क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा यू you नो know, रिश्ता इतनी बुरी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता खत्म हुआ है कि आप इतने हर्ट हुए हो इस रिश्ते से इस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया कि लिटरली आपके शरीर पर घाव नहीं आपकी रूह पे घाव लगे हैं आप अंदर से टूट गए थे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पूरी नींव हिल गई थी आपकी पूरी फाउंडेशन हिल गई थी ठीक है आप मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे देखो मुझे आई डोंट नो वाई हो सकता है किसी किसी के लिए या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है आई थिंक ये भी मैरिड हो सकते हैं ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इस इंसान ने ऑलरेडी मैरिज की होगी एंड आपको मतलब आपके साथ या ये, ये आपको पता हो शायद हो सकता है इस इंसान के बच्चे भी हैं और वाइफ भी है उनके साथ ये खुशी है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी की है ठीक है बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान सोच रहे हैं कि कैसे मैं स्टैंड लूँ लोगों की लोगों को भूल के लोगों की बातों को छोड़ के कैसे स्टैंड लूँ और कैसे सबको सही करूँ ऐसा भी मुझे लग रहा है ठीक है हो सकता है लिटरली कोई कोई तो अपने साथ मुझे लग रहा है या तो आपको इसने शादी के सपने तक दिखा के बच्चों तक के या तो आपने नाम तक सोच ली थे तब जाके आपको पीठ दिखाइए है, ठीक है एंड अभी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक है प्लीज़ hmm. एक मिनट रुको आप जरा मैं थोड़ा शफल कर लूँ ना कार्ड को प्लीज़ महादेव बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या रीज़न है कि वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं hmm. मुझे लग भी रहा थी लग भी रही थी हम्म ओके फोर ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ सोट्स नाइट ऑफ पैंटिकल्स बॉटम ऑफ टैक्सोनोजी पेज ऑफ पेंटिकल्स की है मैं आपको रीज़न बता देती हूँ आपके पार्टनर आ क्यों नहीं रहे हैं देखो मुझे जो यहाँ पे मेन रीज़न जो लग रहा है ना वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही स्टबन है घमंडी एक नंबर के घमंडी इतना घमंड है खुद पे ना आई डोंट नो किसके पार्टनर है ये इतने ज़्यादा घमंडी इन्हें ऐसा लगता है कि इन जैसा तो कोई है ही नहीं इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा ये तो सुपीरियर है ऐसी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है ठीक है इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं किसी को कॉन्टैक्ट क्यों करूँ किसी किसी के पार्टनर की तो इतनी स्टबन एनर्जी है मतलब इतनी है ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कि कितना भी ये बुरा कर ले दूसरों के साथ फिर भी खुद को ऐसा प्रोटेक्ट करती कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया सामने वालों की गलती है मुझे ना ऐसी एनर्जी आ रही है आई डोंट कौन है गुस्सा आ रहा है मुझे ऐसी एनर्जीज पे यार देखो गलती सभी से ही होती है बट एटलीस्ट इतना स्टबन आई थिंक ये बहुत स्वार्थी अपने मैं ये भी बता देती हूँ देखो अगर आप फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को आप देखोगे ना ये बहुत ही स्टेबिलिटी वाली एनर्जी होती है बट आई थिंक इनके पास स्टेबिलिटी है नहीं आई फील ये स्टेबल स्टेबिलिटी है नहीं इस रिश्ते को लेकर इनके पास क्योंकि मुझे लगता है कभी ये इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं आप में से कुछ लोगों का मुझे और ये खुद की फीलिंग्स को लेके यू नो खुद की इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा लालची समझ लो आप ग्रीडी है खुद को खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी रखते हैं अगर खुद का मतलब होगा तो ठीक है नहीं होगा तो फिर आपको कोई भाव नहीं देंगे मुझे ऐसी एनर्जी स्वार्थी वाली एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से ये चीज़ों को या तो इनकी लाइफ में कोई है ऐसे लोग हैं जो ये लोगों की बातें सुनते हैं जिन्हें ये यू you नो know, हो सकता है आई डोंट नो ये कौन है हो सकता है किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है और ना थर्ड पार्टी को छोड़ना है ना आपको छोड़ना है तो ये ये सोचे कि दोनों को रखना तो ऐसा नहीं होता है ठीक है बट आई डोंट नो ये किसी जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन परसेंट किसी पार्टनर की अनुची हो सकती है किसी के एंड कुछ पार्टनर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टबन हैं एंड साथ ही बहुत ज़्यादा खुद को लेके यू नो ऐसे बहुत ही स्टेबल होने का ट्राई करें जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे आई थिंक ये बहुत रूड भी है सच का सामना नहीं करने करने कर पा रहे अभी दिखाते तो यही होंगे शो तो यही बहुत करवाते होंगे कि नहीं मैं तो बहुत बोल्ड हूँ मैं तो स्टैंड प्रॉपरली लेता हूँ मैं तो ट्रस्टवर्दी हूँ ट्रुथ ओरिएंटेड ओ हूँ ये सब शो करवाते होंगे बट इट्स नॉट मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो एट ऑफ कप्स का, का कार्ड है एट ऑफ कप्स का, का कार्ड हमें बताता है लॉर्ड्स ऑफ एल्यूजनस ठीक है लॉर्ड्स ऑफ धोखा मतलब आप समझ रहे हो ना धोखा सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना ये इनके आप सोचो ना ये इनकी प्रॉब्लम्स है किसी पे भी दिल आ जाना ठीक है वो होता ना कई को आदत होती है जगह जगह बात करने की ऐसी इनकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आ नहीं रहे हैं ठीक है मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है हो सकता है इनके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हो जो इनका सच में ही बेवकूफ बना रहे हैं सच में ही ये सच को देख ही नहीं पा रहे हैं आई डोंट नो ये सिर्फ आप आप में से कुछ लोगों का मुझे तो सही से में यही दिख रहा है कि लिटरली ब्लेम गेम्स डाल रखे कि जो कुछ भी इन्होंने किया वो तुम्हारी वजह से हुआ सामने वाले को आपको टारगेट कर रहे हैं देखो संभल के रहिए है इतनी किसी को अहमियत मत दीजिए अपनी लाइफ में कि इंसान आपकी लाइफ में आके मजाक बना दे आपका ठीक है अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर पेज जो पेंटिकल्स की एनर्जी तो हो सकता है आपको सॉरी बोलने आए न्यू शुरुआत करने का ये सोच रहे हैं हाँ जी आप देख रहे हो कार्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा हाँ जी हीलिंग तो हो रही है बट बी केयरफुल देखो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली अपनी गलती पे पछतावा है शायद लोगों की बातें सुन के वो ऐसा रिएक्ट करते थे या लोगों की यू नो सुन के वो यू नो आई थिंक इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है जो लोगों की बातें सुन के वो यू नो रिएक्ट कर जाते हैं और यू you नो know, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं ठीक है प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट मूव देख लेते हैं है ना नेक्स्ट मूव उनका आपके लिए क्या होगा प्लीज यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव उनके लिए क्या होगा ऑफ़ ओके। जजमेंट, किंग ऑफ प्रैक्टिकल एंड बॉटम ऑफ टेक की जो एनर्जी है नाइट ऑफ सोट की देखो मैं आपको एक चीज तो समझा आप में से आप में से सेवेंटी परसेंट के पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं सेवेंटी परसेंट लोग कह रही हूँ ठीक है सेवेंटी परसेंट पार्टनर आपके इट्स डिपेंड्स अपॉन योर हीलिंग आप में से बहुत सारे लोग मुझे रीडिंग के बाद पूछते हैं कि मैम क्या सच में हमारे पार्टनर वापस आएंगे क्या सच में ऐसा होगा देखो फर्स्टली आपको ये चीज़ समझना है कि इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू आप में कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है आप खुद को कितना स्ट्रांग बना के रखते हो अगर आप लिटरली सामने वाले को यू नो चीज करते रहोगे वो कहाँ से आएगा जब आप टिक 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 घड़ी देखते रहोगे यार अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया तो कहाँ से आएगा आप मुझे खुद बताओ और जब तक आप ये लास्ट सीन चेक कर रहे हो और ये सब बातें कर रहे हो हाई कब बायक तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद पे अपना पूरा फोकस नहीं लेके आते ऐसी कोई चीज़ नहीं है गाइस जो हमें मिल नहीं सकती है खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए ठीक है ये सेवेंटी परसेंट लोगों के लिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स मेजर कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इनकी अभी भी कुछ लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं है आएंगे तो आएंगे ये इंसान कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे ठीक है आप दोनों के रिश्ते में फिर से सब कुछ सही होगा सेवेंटी परसेंट लोगों में और ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट देंगे रिश्ते की नई शुरुआत होगी बट रेस्ट थर्टी परसेंट जो लोग हैं ठीक है ठीके? उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर अगर आए ना तो हो सकता है वही एटीट्यूड उनका हो घमंड बहुत ज़्यादा हो ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा हो थोड़ी देर के लिए अच्छे बने और उसके बाद वही पैटर्न रिपीट हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको बेवकूफ नहीं बनना है ठीक है आपको ध्यान देख ध्यान से समझना है क्या इसको सच में गलती गलती को रियलाइजेशन से माफ मत करो आप ठीक है सोचो समझो पहले आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है आपसे बेहतर कोई नहीं बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके आपने क्या चीज़ फ़ेस करी है ठीक है आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ सॉरी यार आपको शायद मेरा थोड़ा बोलना रूट लगता हो बट मैं झूठ मूठ के लिए ये सब नहीं बोल सकती हाई ऐसा होगा ऐसा होगा मुझे जो एनर्जी फील होगी मैं वही कहूँगी ठीक है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर सॉरी व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज व्यूअर्स गाइड कीजिए oh, अभी भी यही आया था कार्ड के साइन हम्म अब देखो पहले जो बॉटम ऑफ टैक्स आया था यही आया था देखो यार एक्शन तो ये बंदा लेगा आपकी तरफ बट आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो मिल रही है सेल्फ लव की अपने अंदर झांकी आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं देखो मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप पा नहीं सकते बट कीप रिमेंबर वन थिंग क्या होता है ना कि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो आप पहले ये क्लियर कीजिए कि वो आपके लिए सच में सही इंसान है या नहीं अगर वो सही इंसान है तो उसे ऑन हो जाइए ठीक है और अगर वो सही इंसान है तो उसको सुधारिए कैसे सुधारोगे अपनी पॉजिटिव थॉट्स से लॉट्स ऑफ टेक्निक्स हैं उससे आप सुधार सकते हो लॉ ऑफ एक्ट्रैक्शन जो आपकी बहुत ही मेजर चीज़ है आप उससे उसे यूज़ कर सकते हो बट मैं आपको फिर भी यही चीज़ कहूँगी कि, कि पहले खुद सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए अपनी इनर सोल की सुनिए वो क्या कह रही है कभी खुद को आईने के सामने बिठाइए और पूछिए कि आपने जो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी यू नो फेस कर रहे हो किस लिए कर रहे हो क्यों खुद को दूसरों के लिए हर्ट कर रहे हो क्यों किसी को चेज कर रहे हो आप इतने लाचार तो नहीं हो न गाइस कि आप मरे जा रहे हो एक पर्सन के बिना होता है यार जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं हमें बहुत सारा यू you नो know, प्यार एक सामने वाले से हो जाता है पर अगर आपको कोई बार 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 आपको धोखा दे रहा है आपको यही गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है कि आपको क्या करना है हाई वाइब्रेशन में रहना है आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको भगवान में ध्यान लगाने की जरूरत है स्पिरिचुअल होने की जरूरत है स्पिरिचुअल नॉट इन द सेंस कि आप साधु संत बन जाओ इट्स लाइक कि आप खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो सेल्फ लव पे ध्यान दो आपके लिए क्या सही है गलत है वो देखिए भगवान को अपने बुरे वक्त में याद कीजिए क्योंकि बता क्या लोगों का मैंने लोगों का नहीं ह्यूमन बींग ही ऐसे होते हैं जब प्रॉब्लम है तो भगवान जी को याद कर लिया और जब नहीं है तो नहीं कर लिया बट आपको कहा जा रहा है कि आप जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो आपको यूनिवर्स को याद करना आप जिस भी देवी देवता जिस भी धर्म को मानते हो उन्हें याद कीजिए वो डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे एंड पेज ऑफ सोट की चीज़ भी मुझे यही चीज़ बता रही है कि पेजेस की एनर्जी क्या होता है ना टीन एज वाली एनर्जी होती है तो आपको बचकानी हरकतें नहीं करनी अच्छा आ गए हो तुम भाई मैं तुम्हारी जा रही थी नहीं पहले क्लियर रही है क्योंकि जो सोट की एनर्जी है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है तो आप कहीं ना कहीं सच का देखिए सच का सामना कीजिए ठीक है क्या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपके लिए गाइडेंस है ठीक है एंड साथ ही हम देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस आपके पार्टनर की ओर से आई डोंट नो क्या ही मैसेजेस आएंगे ओके mm सो -hmm. okay. so, मैं थोड़ी सी ही मैसेज लूँगी है ना ओके आई एम सो क्रेजी अबाउट यू हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही क्रेजी फील कर रहे हो ठीक है एंड लियो आप ये आपके पार्टनर हो सकते हैं ठीक है आई प्रोमिस यू आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू ये कहना चाहते हैं कि सेवेंटी परसेंट लोगों वालों के लिए मुझे लग रहा है लोगों के लिए लग रहा है ठीक है री यूनियन हम ही कोई अलग नहीं कर सकता हम दूसरे एक दूसरे के लिए बने हो सकता है कुछ लोगों का लिटरली री यूनियन भी होने वाला है हो सकता है दे आर्स अ चांसेस एंड नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ जैमिनी आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड नेक्स्ट कार्ड फॉर यू नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट चेंज एनी थिंग हाउ आई फील अबाउट यू ओके एंड नेक्स्ट मैसेज स्टोरीज आप क्या आप या आपकी पार्टनर हो सकते हैं एंड हम देखेंगे वन मोकार ओके जाइए आप चलो हम देख लेते हैं मैसेज यो हाज इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट अ मैन कड एवर वॉन्ट ओके एंड आई नीड यू इनको ज़रूरत है आपकी सो ये थे आपके लिए लव मैसेज ठीक है आपके पार्टनर की ओर से एक मैसेज और देख रहे हैं आपके लिए यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी ओके तो ये थी आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुझे लगता है कि आप में से सेवेंटी परसेंट लोगों को यू नो उनके पार्टनर को गलती फील हो सकती है वो दोबारा से आपके पास आ सकते हैं आपको प्रपोज कर सकते हैं बट थर्टी परसेंट लोगों का मुझे नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप जिस भी पार्टनर जिसके भी पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करें जो भी आप प्लीज़ पास्ट से जो भी आपने सीखा है थोड़ा एक्सपीरियंस लेके चलें ठीक है एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए मैं प्रेय करूँगी आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन हो ठीक है एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस हाई वाइब्रेशन में रहिए आपको कोई भी ज़रूरत हो आप अगर लो फील कर रहे हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मैं आपको सप्लीमिनल्स प्रोवाइड करूँगी यू नो मैं लिंक भेजूँगी आप उसे सुनिएगा ठीक है एंड uh, क्योंकि सप्लीमिनल क्या होता है ना मैं आपको समझाऊँगी सप्लीमिनल ऐसी चीज़ है जब आप लो वाइब्रेशन में तो आपको हाई कर देंगे मंत्र मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना आप सही फील नहीं कर रहे हो आप सेल्फ़ लव नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कहिए मैं आपकी हेल्प करूंगी ठीक है आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मुझे कह दीजिए मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूँगी एंड प्लीज़ खुश रहिए खुद के साथ प्यार करना सीखिएगा इस पहले खुद की कदर कीजिए है ना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा जरूरी है सो टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें एंड बी अ पार्ट ऑफ आ ब्यूटिफुल सोल य फैमिली ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय